हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीक की लव हेरोड में देखेंगे कि आपकी लव लाइफ इस वीक में कैसे रहने वाली है। तो आपके पास यहाँ दो चॉइसेस हैं। फर्स्ट, जिन्होंने नूडल्स यूज़ किया है उनके लिए मैं कार्ड शफल करके देखती हूँ, फिर देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। द हैंगमैन, वाओ, फोर ऑफ वांड्स, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए जिन्होंने नूडल्स यूज़ किए हैं। ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ लेके आया है। द हैंगमैन, ऐसा लग रहा है कि आप में से ज़्यादा के पार्टनर जो हैं वो किसी और कंट्री से हो सकते हैं। हो सकता है वो आप काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे हों। और फोर ऑफ वांड्स, आपका कुछ लोगों का इस वीक में कमिटमेंट भी हो सकता है, या फिर हो सकता है वो आपसे मिलने आएँ या आप वहाँ जाएँ, या ऐसा कुछ हो सकता है कि वो किसी भी तरीके से आपसे कांटेक्ट करेंगे इस वीक, ऐसा हो सकता है। और कुछ लोगों की एंगेजमेंट या मैरिजेस भी फिक्स हो सकती है। इतना बड़ा कमिटमेंट भी इस वीक में मिल सकता है जिन्होंने नूडल्स चूज़ किए हैं। और जो स्पेशली सिंगल हैं उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा कमिटमेंट आ रहा है, बहुत ही अच्छे पार्टनर आ रहे हैं। और अगर वो अभी तक ऐसे कन्फ्यूज़न में थे कि उनको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इस वीक में उनको क्लियरिटी मिल जाएगी कि आप ही उनके लिए एक बेस्ट पार्टनर हो सकती हैं। अगर आप गर्ल हैं तो भी और बॉय हैं तो भी ये होगा। उनको इस सिचुएशन से, वो इस सिचुएशन में आएंगे इस वीक में और उनको काफ़ी पता चल जाएगा कि आप उनके लिए बेस्ट चॉइस हैं। तो हो सकता है वो आपको आगे होके कॉन्टेक्ट करें और वो इस सिचुएशन से निकल के आपको कपल की तरह देख रहे हैं। तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटमेंट में हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा वीक रहने वाला है। वो काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे एक साथ और काफ़ी लाइट हार्टेड एनर्जी रहेगी। किसी नई जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हो सकता है आप कहीं नए घर में शिफ्ट हों या फिर किसी नई जगह पर जाएँ और साथ में काफ़ी अच्छा टाइम बीतेगा। किसी शादी सगाई को भी इंजॉय कर सकते हैं साथ में। किसी ऐसी अच्छी जगह भी जा सकते हैं आप, जहाँ आप सोच रहे थे कि आपका कोई ड्रीम भी पूरा हो सकता है आप दोनों का। ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव आउटकम लेके आया है जिन्होंने नूडल्स चूज़ किए थे। और जो लोग सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए ये है कि आपके पार्टनर जो है वो थोड़े डिस्टेंस पे, आपके पास अभी तक डिस्टेंस था उनका, तो वो किसी ना किसी बहाने से इस या किसी अपॉर्चुनिटी से आपसे मिलने इस बार आ सकते हैं। आप लोग साथ, टुगेदरनेस आप लोगों की दिख रही है। अगर ये आपके क्रश भी हैं तो वो हो सकता है आपको ऐसे साइंस दें कि आप साथ में हो और रिलेशनशिप में आ जाएंगे। और बहुत ही रोमांटिक और अच्छा रिलेशनशिप चलेगा अगर ये होता है जिन्होंने ये चूज़ किया उन लोगों के लिए। तो सिंगल्स के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा रहेगा और जो ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं या मैरिज में हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा और फेबुलस वीक रहेगा। काफ़ी इन्जॉय करेंगे आप इस वीक में और काफ़ी लाइट हार्टेड एनर्जी में रहेंगे। क्रिएटिविटी आपके जो सिंगल्स हैं उनको बता रही हूँ, आपके पार्टनर जो हो सकते हैं इस वीक में आपको मिले, वो क्रिएटिविटी उनके अंदर भरी हुई है। बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ वाले पार्टनर हैं, काफ़ी फेमस भी हो सकते हैं। और अगर वो किसी और कंट्री से नहीं है तो वो किसी और स्टेट से हैं या जिस सिटी में आप रहती हैं उस सिटी से अलग कहीं और रहते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये इस तरीके से आप उन्हें पहचान सकती हैं कि वो कौन हैं। और गर्ल हैं तो भी वो काफ़ी फेयर स्किन टोन की होंगी और अगर बॉय हैं तो भी वो मीडियम से फेयर हो सकते हैं, इस तरह के हैं। और बहुत ही अच्छा वीक रहने वाला है आप लोगों के लिए जिन्होंने ये चूज़ किया है। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चलेगी इस वीक में। तो देखते हैं जिन्होंने पिज़्ज़ा चूज़ किया है उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, जी देख रहे हैं आप, फाइव ऑफ पेंटिकल्स और थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने ये चूज़ किया है और स्पेशली जो सिंगल हैं वो तो काफ़ी फील कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ का अभी अभी ब्रेकअप भी हुआ है, ऐसा भी पॉसिबल है। या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आपको झेलने पड़े हैं और
काफ़ी सफ़र कर रहे हैं आप, देख रहे हैं, और आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम कब तक चलेगी और ये कब सब सोल्व होगा, ऐसा आप कुछ सोच रहे हैं। और पर इस वीक में ये हो सकता है कि आप जहाँ ये है कपल देख रहे हैं यहाँ इसमें, तो हो सकता है कुछ लोग आपसे जेलस हों, इसी वजह से शायद ऐसी सिचुएशन आई है। हो सकता है फैमिली आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या उनकी वजह से आप मिल नहीं पा रहे हैं, या ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ। तो इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आप उनसे मिलें, यहाँ पार्टी है, अंदर है, होम है, तो आप लोग अपने लिए टाइम निकाल लेंगे। और जिन लोगों को आपसे प्रॉब्लम है वो इस बार ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, आपका टाइम अच्छा चलेगा। और आप इस सिचुएशन में अगर हैं, काफ़ी परेशान हैं, या आपका सेपरेशन हुआ है, तो आपको काफ़ी जल्दी अच्छी और अच्छी न्यूज़ मिल सकती है इस वीक में, कि आप फिर से एक साथ हों और प्रॉब्लम्स जो हैं वो टेम्परेरी हैं, वो आगे तक नहीं चलेगी, वो सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीक के लिए आप लोगों के बहुत ही लास्ट अच्छा आउटकम आया है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है बस, अगर इस सिचुएशन में हैं आप और अब सोच रहे हैं कि सब कुछ कब ठीक होगा, तो हो जाएगा ठीक, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और उसके बाद यूनिवर्स अपना काम करेगा, सब कुछ हो जाएगा आपका। और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी सॉल्व होती हुई दिखेगी। इस वीक के लास्ट तक आप हो सकता है उनसे कॉन्टेक्ट करें या वो आपसे कॉन्टेक्ट करें, ऐसा हो जाएगा। और कपल है वहाँ उसमें दिख रहे हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स तो हुई है जिन्होंने ये चूज़ किया है उनका, और जो ऑलरेडी मैरिड है उन वो लोग तो साथ में टाइम स्पेंड करते हुए यहाँ दिख ही रहे हैं। लोग आपको देख के काफ़ी जेलस होंगे, जो ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं और अपने पार्टनर के साथ हैं, उन लोगों को देख के तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है जो नेगेटिव मेंटेलिटी के हैं, उनको लग सकता है कि आप काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं और आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है। ऐसी नेगेटिव मेंटेलिटी कुछ लोगों को लग सकती है, आप लोगों का साथ कुछ लोगों को खटक सकता है, तो ऐसा है तो उनको रहने दीजिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहे हैं और वो करते रहिए। आप किसी की मेंटेलिटी को नहीं चेंज कर सकते, और आप अपनी लाइफ को वैसे ही चलाइए जैसे आप सोच रहे हैं। और अपने अगर आप मैरिड हैं और कमिटमेंट में हैं, तो आप इनकी परवाह मत करिए कि लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे आपको देखा जा रहा है, या लोगों का इंटरफेयर इस बार हो रहा है, तो आप उनको जाने दीजिए, आप अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कीजिए। और ये वीक भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा अगर आप थोड़ा पेशेंस रखते हैं। और यहाँ जहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन से कुछ लोग होके गुजरे हैं, उन लोगों को भी काफ़ी रिलीफ मिलेगी इस वीक में। हो सकता है आप अपने किसी और नए पार्टनर को आप देखें या मिलें उनसे, तो आपको काफ़ी अच्छा फील हो सकता है। तो इस वीक के लिए यही मैसेज था। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।